मुझे लगता है कि बार बार योगी आदित्यनाथ जी के ये दावे बेकार हुए जा रहे हैं और फेल साबित हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं। अगर उत्तर प्रदेश से अपराधी भाग गए हैं तो पांच कालिदास मार्ग के पास भी गोलियां चलती हैं जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, और बदायूं जैसे जघन्य अपराध भी होता है। इसी सरकार में हमने हाथरस भी देखा, हमने कठुआकांड भी देखा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र नेतृत्व को कम से कम उत्तर प्रदेश में ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के जघन्य अपराध प्रधान मुख्यमंत्री के बार बार कहने के बावजूद भी हो रहे हैं। ये कानून व्यवस्था में बड़ा सवाल है। भाजपा जो मुख्य आरोपी था उसका एनकाउंटर हो गया। भाजपा कह रही है कि इस कानून व्यवस्था में कोई आरोपी बच के जा नहीं सकता, कोई बचेगा नहीं। देखिए, ये अपने आप में हास्यास्पद है कि हर एक अपराध होने के बाद मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कोई बच के नहीं जा सकता है, लेकिन अपराध होते चले जा रहे हैं। अगर दो बच्चों की हत्या हो गई तो उनकी वापस जिंदगी कैसे मिलेगी? हत्या करने वाले अगर बदमाश घूम रहे हैं, और अब तो मुख्यमंत्री के आसपास भी घूमते रहते हैं, तो क्या माननीय योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश को ये विश्वास दिला पाएंगे, या ये ऐसे ही बोलते चले जाएंगे और लगातार वारदातें होती जाएंगी?